नाइस टू मीट यू। आज हम लोग जो है क्लास आपका ये एट है, क्लास एट से हम लोग जो है सब्जेक्ट केमिस्ट्री देख रहे हैं। केमिस्ट्री में आपका ये क्लिप जो है 14 है। तो आइए देखते हैं आज हम लोग कंसेप्ट यूजेज ऑफ मेटल्स के बारे में कि मेटल्स का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यूजेज ऑफ मेटल्स का फर्स्ट यूज बताया गया कि कॉपर और एल्युमिनियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं, कॉपर और एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स, तार बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और वायर्स बनाकर हम लोग जो है करंट को फॉलो कराते हैं, टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को हम लोग कैरी करते हैं, फॉलो कराते हैं। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट यूज क्या बताया गया कि कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड यूज बताया गया कि आयरन, ये अभी आपका मेटल है, आयरन कॉपर और एल्युमिनियम, ये तीनों मेटल जो है आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, घरेलू जो बर्तन बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, या फैक्ट्री इक्विपमेंट जो होते हैं, इन सबों के प्रयोग में जो है आयरन कॉपर एल्युमिनियम मेटल्स का यूज किया जाता है, और यूज कर जो है हाउस होल्ड यूटेंसिल्स और फैक्ट्री इक्विपमेंट तैयार किया जाता है। थर्ड यूज आपका है कि आयरन इज यूज एज कैटालिस्ट उत्प्रेरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आयरन इज यूज एज कैटालिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस को तैयार करने में आयरन कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाय हैबर्स प्रोसेस, किसके द्वारा, तो हैबर्स प्रोसेस के माध्यम से हम लोग अमोनिया गैस प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आयरन की भूमिका जो है कैटालिस्ट के रूप में उपयोगी होती है। फिर आगे हम ये जब देखते हैं ये फोर्थ यूज इसका क्या है, तो जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए हम जिंक का प्रयोग करते हैं, ताकि जो है जंग नहीं लगे, उसको सुरक्षित रखने के लिए ग्लेवराइजिंग ऑफ आयरन करते हैं और जिंक का यूज करते हैं। हाई पॉइंट है क्रोमियम एंड निकेल, ये दो ऐसे मेटल्स हैं, क्रोमियम एंड निकेल मेटल्स आर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तैयार करने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं क्रोमियम का और निकेल का। इससे क्या होता है कि उस पर जंग नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं होता है। सिक्स है कि एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज इन पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन, दवाइयों को पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल्स का प्रयोग किया जाता है, सिगरेट्स के पैकेट्स पैक करने के लिए जो है एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज किया जाता है, और फूड मटेरियल्स, फूड आइटम्स के यूज के लिए भी एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज किया जाता है। सेवेंथ है आपका सिल्वर और गोल्ड मेटल्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी, गहने या आभूषण बनाने के लिए जो है सिल्वर और गोल्ड मेटल्स का यूज किया जाता है। और एक है आपका एक लिक्विड मेटल है जिसका नाम आपका मरकरी है, इज यूज इन मेकिंग थर्मामीटर, थर्मोमीटर्स के लिए जो है तैयार करने के लिए, बनाने के लिए जो है हम लोग एक लिक्विड मेटल का यूज करते हैं, जो आपका क्या है, लिक्विड मेटल आपका मरकरी है। उसके बाद आपका जो दो तीन और यूज है उसको भी बता ही देते हैं। 9 में कि लीड मेटल का प्रयोग जो है, लीड मेटल इज यूज इन मेकिंग कार बैटरीज बनाने के लिए लीड मेटल का उपयोग किया जाता है। 10 है आपका जीरकोनिया मेटल इज यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील्स के लिए जो है जीरकोनिया मेटल का उपयोग किया जाता है। सोडियम टिटेनियम एंड जीरकोनियम मेटल्स आर यूज इन एटॉमिक एनर्जी के लिए, ये तीन मेटल यूज किए जाते हैं एटॉमिक एनर्जी के लिए, सोडियम टिटेनियम और जीरकोनियम मेटल्स का उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपको बताया गया यूजेज ऑफ मेटल्स थे, ये सारे यूजेज ऑफ मेटल्स को घर से आप लोग जो है टू अंडरस्टैंड करके आएंगे। अगले क्लास में यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल दी, थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।